नमस्कार मित्रों, जैसे कल के वीडियो में हमने बात की थी सोलमेट रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इन तीनों विषय में हमने संक्षिप्त में सुना था। आज मैं इस वीडियो में आपको सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में जितना हो सके, जितना मुझे ज्ञात है, जितना मैंने समझा हुआ है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एग्जैक्टली सोलमेट रिलेशनशिप क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे सोलमेट। सोलमेट यानी कि हम कई बार यूज टू है ऐसे वर्ड्स को यूज करने के लिए, जैसे कि हमारे रूममेट्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं। मेट्स यानी कि हमारे साथ रहने वाले लोग या हमारे साथ चलने वाले लोग, जिनसे हमें फैमिलियर एक्सपीरियंस होता है। वह हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे कंपेनियन भी हो सकते हैं, ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं जो हमारे मेट्स हैं, जिनसे हमारी बनती है। तो सोलमेट को हम समझेंगे सोल यानी कि आत्मा, और उसके मेट्स यानी कि आत्मा की जुगलबंदी। किसी भी दो व्यक्ति की जो जुगलबंदी होती है, जिनसे एक दूसरे के साथ अनुभव लेने में या साथ चलने में आसानी होती है, उसे हम मेट्स कहते हैं। तो सोल्स यानी आत्मा, और आत्मा की जिनके साथ एक जुगलबंदी होती है, जिनके साथ एक अनुभव, जो पीसफुल एक्सपीरियंस रहते हैं, उसे हम सोलमेट कहेंगे। यह सोलमेट हमारे लाइफ में कब, क्यों, कैसे आते हैं? तो कि जब से हमने यहाँ पे पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व पाया है, जब से हम यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, हर एक लाइफ में हम अलग अलग तरीके से हमारे अलग अलग सोलमेट से मिलते हैं। हमने बहुत से एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत लेन देन के हिसाब हमने बनाए हैं, लेकिन उसमें कुछ हिसाब ऐसे होंगे कि जो हमें आनंद देते हैं, पीस महसूस करवाते हैं, कंफर्ट महसूस कराते हैं। इसे कुछ और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि कल मैंने कनाडा का आपको एग्जाम्पल बताया था अगले वीडियो में, कि जैसे यहाँ से इंडिया से आप कनाडा जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कैनेडियंस होते हैं, और उन कैनेडियंस के बीच में अगर आप किसी इंडियन को मिलेंगे तो उनसे आपको ज़्यादा नज़दीक महसूस होगा, उनसे नज़दीकियाँ महसूस होगी, क्योंकि वह व्यक्ति अपने ही देश से, अपने ही प्रांत से आया हुआ है। चाहे वह आपको जानता हो या नहीं जानता हो, फिर भी आप उससे एकात्मता का अनुभव करेंगे, उससे आप परिचित महसूस करेंगे, उससे आप फैमिलियर महसूस करेंगे, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं लगेगी, आपको अनजाना नहीं लगेगा, वह व्यक्ति अपना सा लगेगा। तो जिस तरीके से पृथ्वी पर किसी ग्रह से, किसी स्टार से, किसी प्लेनेट से, कहीं से भी हमने अपना अस्तित्व पृथ्वी पर शुरू किया, उस समय पे उसी प्लेनेट से या उसी ग्रह से जहां से हम आए हैं, वहां से बहुत सारे सोल्स यहाँ पर इवोल्यूट हुए हैं। अब और कई प्लेनेट से भी, और कई जगहों से भी यहाँ पर जीव सृष्टि का सृजन हुआ है। अब जब हमारे ग्रह से या हमारे जो स्थान है वहां से जो सोल्स आए हैं, उनसे हमें फैमिलियर एक्सपीरियंस होता है, और जो हमारे पड़ोसी प्रदेश से या प्रांत से या कंट्री से जब हमारी कंट्री में कोई आता है, तो वह हमें अजनबी लगता है। इसी तरीके से यह सोल्स भी किसी और प्लेनेट से, किसी और ग्रह से, किसी और स्टार से या किसी और जगह से हमारे पृथ्वी पे हमारे ही साथ जन्म लेकर आते हैं। जब उनका हमारे साथ सामना होता है, तब हमें थोड़ा सा डर, थोड़ा सा अनजानापन, थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग होती है, हमें लगता है कि जैसे हम अजनबी हैं। तो एक होता है जिनसे हमें नज़दीकियाँ फील होती है, जो अपनापन लगता है, एक होता है जिनसे हमें दूरियां फील होती है, ये अपनापन नहीं लगता है, यह हमें पराये लगते हैं, और जिनसे हमें कई बार डर, एंगर, एंजाइटी या ऐसी सिचुएशन, ऐसी फीलिंग भी आती है। तो हम कभी सोचेंगे कि हमारे कर्मों की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। थोड़ा सा अगर आप और गहराई में जाएं, तो मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? मित्रों, इसका जवाब तो कोई नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएंगे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, यानी किसने पहले कर्म शुरू किए होंगे या किसने पहले कार्मिक पैटर्न्स एक्सप्लोर की होगी, कौन सोल सबसे पहले डर, एंगर, एंजाइटी या वैर की भावना में चला गया होगा। तो यही ऐसी ही प्रश्न का एक हम जवाब ढूंढते हैं कि जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, जिसका जवाब आज तक हम नहीं दे पाए। फिर भी
अगर इस सिचुएशन को कार्मिक पैटर्न्स को हम समझे और सोलमेट पैटर्न्स को हम समझे, रिलेशनशिप्स को हम समझे, तो जो अलग प्लेनेट से हमारे साथ जीवन जीने आए हैं उनसे हमें परायापन लगता है, और हमारे ही प्लेनेट से जो हमारे साथ जीवन जीने आए हैं उनसे हमें अपनापन लग रहा है। तो जिनसे हमें अपनापन लग रहा है उनसे हमारा प्रेम भरा व्यवहार है, उनसे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक नज़दीकियों वाले हैं, जो हमें सुकून देने वाले हैं, प्रेम का अनुभव कराने वाले हैं, और जिनसे हमें परायापन लग रहा है उनसे हमें डर लग रहा है, उनसे हमें वैर विच्छेद लग रहा है, उनसे हमें दूरियां बनाने की इच्छा हो रही है, या हमें डर की स्थिति महसूस हो रही है, जैसे ये हमें नुकसानदायी है या हमारा कुछ बुरा कर लेंगे। तो किसी भी रूप में जीवन उत्पत्ति की किसी भी शुरुआत के स्टेज पर किसी न किसी को कहीं ना कहीं पे ये जो परायापन की का अनुभव हुआ होगा, और वहीं से शायद ये कार्मिक रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर हुए होंगे जहाँ पे हमें अपनेपन की भावना नहीं पनपती है, जहाँ पर हमें डर लगता है, जहाँ पर हमें ईर्ष्या का भाव भी आता है, या जहाँ पर हमारे अस्तित्व को लेकर प्रश्न होते हैं या सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो जहाँ पर परायापन है वहाँ पर हमारे ये सारे सवाल होते हैं, और वहीं से कार्मिक भी एक्सप्लोर होता है, कार्मिक रिलेशनशिप्स अस्तित्व में आते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ सोलमेट रिलेशनशिप्स की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोलमेट को समझने के लिए हमें कार्मिक को समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने इस विषय में आपको अभी थोड़ा सा समझाया। अब समझेंगे कि जहाँ पर हमें परायापन की अपनेपन की भावना महसूस हो रही है, या जिससे हमें जुगलबंदी महसूस हो रही है, जिससे हमें मित्रता का भाव आ रहा है, या हमारे एक ही प्लेनेट से आए हुए सोल्स हैं, एक ही जगह से, एक ही प्रांत से, या एक ही प्रदेश से, या एक ही स्थान से हमारे साथ ही आगे या पीछे कभी न कभी अस्तित्व में आए हैं, और हमारा सबकॉन्शियस, हमारा सोल लेवल पे इनको जानता है, इनकी फीलिंग मैच होती है, इनकी ऑरा या इनके वाइब्रेशंस फैमिलियर फील होते हैं, और तब जाकर हमें उनसे प्रेम का अनुभव होता है। इनसे भी हमारे लेन देन के हिसाब होते हैं। हर जन्म में अगर हमने समझ लो किसी से अच्छे अकाउंट्स बनाए, तो वही सोल हमारी दूसरी लाइफ में हमें अच्छे अनुभव देने भी आएगा, यह हिसाब बैलेंस होता है। तो किसी न किसी फॉर्म में, चाहे माँ बाप के फॉर्म में रूप में, चाहे भाई बहन के रूप में, चाहे अपने नेबर्स के रूप में, चाहे हमारे गुरुज के रूप में, चाहे हमारे फ्रेंड्स के रूप में, चाहे हमारे एसेंडेंट मास्टर्स के रूप में, या हमारे बेटे, या हमारे और आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनमें से भी कोई व्यक्ति हमारा सोलमेट हो सकता है। सोलमेट के सिम्टम्स को हम देखेंगे, तो सबसे पहले समझेंगे कि आपके घर में अगर 10 व्यक्ति हो, या आपके परिवार के 100 सभ्य हो, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल में से आपको हर एक व्यक्ति के लिए वह अटैचमेंट, वह फीलिंग नहीं आती होगी। पर्टिकुलर कोई कोई व्यक्ति ही ऐसा होगा जो आपके हार्ट को टच कर पाएगा, आपको सुकून का अनुभव करा पाएगा। पर्टिकुलर कोई सोल्स या कोई व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिनसे हमें अपनापन महसूस होता है। माँ और बाप को भी देखेंगे तो हमें शायद दोनों से इतना अटैचमेंट नहीं है, किसी एक से ज्यादा या कम अटैचमेंट हो सकता है। भाई बहनों में से भी हमें सबके साथ एक जैसा अनुभव नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए हमें अपनापन महसूस होता है। या हमारे दोस्तों में से कोई ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति की लाइफ अगर समझेंगे तो उनके जीवन में कोई अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति किसी समय पर ऐसा उसके जीवन में आ जाता है जो उसके लिए दोस्ती की परिभाषा ही बदल के चला जाता है, या जीवन में कोई प्रेम के स्वरूप में इस तरीके से आता है कि जीवन में उस व्यक्ति ने ऐसे अनुभव लिए हैं, इतने रिश्तों को बिगड़ते हुए दिखा है, और कोई व्यक्ति ऐसा उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है जब उसके लिए रिश्तों के मायने ही बदल जाते हैं, उसका नजरिया बदल जाता है। तो मित्रों, सोलमेट्स का जो काम है, उसके जो सिम्टम्स हैं, जब आप अपने सोलमेट के आसपास होंगे तो आपको एकदम अपनापन महसूस होगा। सोलमेट हमेशा
आपको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। आपके वीक से वीक पॉइंट में भी वह आपको हमेशा ही एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आपकी हर एक गलतियों में भी वह हंसेंगे, आपके साथ हर एक प्रकार के मजे लेंगे। सोलमेट कभी आपको जज नहीं करेंगे। और इसके सोलमेट्स के सिम्टम्स को हम देखेंगे तो समझ लो दुनिया में कहीं से भी आप कितने भी फ्रस्ट्रेट होकर आ जाओ, आप अपने एक ऐसे मित्र के साथ अपने दिल की सारी बात शेयर कर सकते हैं जहां पर आपको पता है कि वहां पर नॉन जजमेंटल स्पेस आपको मिलने वाली है। आपका मित्र, आपका दोस्त आपको समझने वाला है। तो मित्रों, सोलमेट पर्टिकुलर अपनी लाइफ में हो सकता है साथ साथ भी ग्रो करते हो सकता है लाइफ के किसी फेस में अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री भी कर रहा हो सकता है बाय बर्थ आपके पेरेंट्स के रूप में सोलमेट हो, या आपके परिवार के किसी सभ्य के रूप में भी हो सकता है। समझ लो आप अपने माँ बाप से इतने फैमिलियर नहीं है, लेकिन अपने परिवार का कोई ऐसा सभ्य है या सदस्य है जिसके साथ आपको बहुत ही लगाव महसूस हो रहा है। आपको हमेशा लगता है कि यार मैं तो इनका बच्चा हूं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सही मायने में माँ बाप ये है, या कई बार ऐसे लगता है कि हमारे दोस्त जो पूरी दुनिया में हमें कोई नहीं समझने वाला है, यहाँ पर ये एक व्यक्ति जो है यह मुझे पूरे तरीके से समझ रहा है। या कितने भी रिश्तों में से जब आपको व्यर्थ लगता है कि कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है या नहीं मिलने वाला है या यहाँ से कुछ भी सार्थक नहीं हो रहा है, तब आपके जीवन में सोलमेट के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको जीवन के पूरे नजरिए को बदल के चला जाता है। सोलमेट हो सकता है आपके गुरु के रूप में भी आए, यानी सोलमेट का इंटेंशन आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देना है, एनकरेज करना है, आपको मोटिवेट करना है, आपकी हर एक गलतियों पे उसको स्वीकार करना है और आपको सही रास्ता दिखाना है, सपोर्ट करना है। आप जब भी डिप्रेशन में हो या डाउन स्टेट में हो, तब भी आपका सोलमेट आपको बिना जज किए आप ही के साथ खड़ा होगा। आपका सोलमेट आपको डांटेगा भी, माँ की तरह शायद डांटेगा भी, लेकिन बाप की तरह वो पैम्पर भी करेगा। आपका सोलमेट कभी आपको जज नहीं करेगा, पर हमेशा आपके वीक पॉइंट्स को वो सराहेगा और आपको आगे का रास्ता भी दिखाएगा कि आप इन कमजोरियों से उभर कर इन आपकी जो स्ट्रेंथ है या पॉसिबिलिटीज है उसमें आगे बढ़ो। सोलमेट नॉन जजमेंटल स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। और कई सोलमेट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर अपने पर्पस के लिए ही आपके लिए स्पेशल जन्म लेकर आते हैं, आपके लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए, आपकी सोल फैमिली को जनरेट करने के लिए उनका पर्टिकुलर रोल ही यही रहता है कि आपके आसपास जब आपका पूरा इवोल्यूशन होना होता है, जब आपको अवेकनिंग के स्टेज में डाला जाता है या जब आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करना शुरू करते हैं, तब यही सारे सोलमेट आपके आसपास सोल फैमिली को क्रिएट करते हैं, आपके लिए अनुकूलताएं पैदा करते हैं, यह आपके आधे कार्यों को उठा लेते हैं, सर पे उठा लेते हैं। कुछ उदाहरण से समझें, अगर हम अपने पुराणों में शास्त्रों में देखेंगे तो रामायण में हनुमान जी और उनकी बंदर सेना जो थी, उन्होंने किस तरीके से रावण के साथ के युद्ध में भगवान राम की मदद की थी, उनकी सेवा की थी, कैसे ये मिशन पूरा राम जी का था, सीता माता को रावण से युद्ध कर वापस लाने का मिशन भगवान रामचंद्र जी का था, लेकिन हनुमान जी ने और उनकी बंदर सेना ने किस तरीके से उनके आसपास पूरी सोल फैमिली की रचना की थी। सारे बंदरों ने मिलकर, हनुमान जी ने उनकी सेना के साथ मिलकर किस तरीके से रावण के साथ युद्ध किया था। विभीषण रावण के राज्य में रहते हुए भी राम नाम का जप कर रहा था, उनसे क्यों उनसे फैमिलियर, हालांकि देखने जाएंगे तो विभीषण जो था वो रावण की लंका से था, रावण का भाई था, फिर भी वह उनसे फैमिलियर महसूस नहीं करता था जितना वह राम से अटैच था। इन सबको अगर देखने जाएंगे तो सोलमेट की थियरी इन काल में भी, सत्ययुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है।
हमारे आसपास भी हमारी सोल फैमिली मौजूद है। सोलमेट एक होता है ऐसा नहीं है, सोलमेट हमारे 10 भी हो सकते हैं। और जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है, सोल्स के ग्रुप होते हैं यूनिवर्स में, जब सोल्स के ग्रुप होते हैं, जैसे हम यहाँ पे समझेंगे पृथ्वी पर हम एक संस्था डेवलप करते हैं, जैसे कोई एनजीओ संस्था चल रही है, जब एनजीओ चलाने वाले लोग अपने लाइफ के टास्क को साइड में रख के किसी के एक विजन पर इकट्ठे होके काम करते हैं, वहां पर भी एक सोल फैमिली की रचना होती है। एक ही विजन, एक ही विचार, एक ही एनर्जी और सारे लोग मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। तो कब कभी जब आपको अपने लाइफ पर्पस पे काम करना होता है या यूनिवर्स आपसे कुछ कार्य करवाना चाहती है, तब जाके ऐसे सोलमेट्स आपके जीवन में आते हैं, जो आपको जीवन की विषम परिस्थितियों से भी सुकून का एहसास कराते हैं, आपके कार्यों को इजी कर जाते हैं। किस तरीके से मिलजुल कर सोल फैमिली एक कार्य को अंजाम देती है, बहुत से उदाहरण हैं मित्रों। लेकिन मुझे लगता है जितना मैंने आपको समझाया, एक सोलमेट को समझने के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। सोलमेट के सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए कि सोलमेट की हाजिरी से आपको हमेशा नॉन जजमेंटल स्टेट की फीलिंग आएगी। सोलमेट हमेशा आपको एनकरेज करेगा, सोलमेट हमेशा आपकी माइनसेस को साइड में रख के आपकी पॉजिटिव साइड को वह ऊपर लाने की कोशिश करेगा। जब भी आप डाउन हो, उनका कंधा आपके लिए हमेशा रहता है। और इंसान होने के नाते, कितनी भी समझ और कितना भी ज्ञान होने के नाते, हम पंच इंद्रिय से हम पृथ्वी के सारे अनुभव करते हैं। कभी कभार हर एक इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वह थकता है, उससे भी किसी के कंधे की ज़रूरत पड़ती है। और तब यह सोलमेट्स ऐसे कंधे के रूप में आते हैं। तो मित्रों, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर आऊँगी। और हाँ, ये सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप को डिस्कस करने का इंटेंशन यह नहीं है मित्रों कि आप अपनी अपनी जर्नी छोड़कर या अपने अपने रिलेशनशिप्स को छोड़कर या किसी को नकार कर आप ऐसे रिलेशनशिप्स की तरफ आगे बढ़ो, नहीं। इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आप अपने जीवन के 3 प्रकार के रिलेशनशिप्स को समझें। उसके बाद जो सोलमेट रिलेशनशिप्स हैं वो तो आपको हमेशा पीसफुल स्टेट में रखते हैं, लेकिन जो कार्मिक है उससे भी कैसे कार्मिक पैटर्न्स को डील करके या उसकी कार्मिक जो पैटर्न्स हैं, जिस तरीके से वो एक्सप्लोर होती है या जिस तरीके से वो परफॉर्म करती है, उसको समझ के किस तरह से अपने जो कार्मिक पैटर्न, जो कार्मिक एक्ट्स हैं या आप इसे बोलेंगे कर्मा, उससे किस तरीके से आप हील करेंगे और खुद को सोलमेट वाली एनर्जी में ले आएंगे। मित्रों, पृथ्वी का हर एक सोल हमारा सोलमेट है, कोई भी हमसे अछूता नहीं है या कोई भी हमसे भिन्न नहीं है। इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर आने वाली जनजाति के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या अभी की करंट जनरेशन के लिए यहाँ पर सुकून, प्रेम और शांति को लाने का है। जब आप अपने आसपास के या अपने जीवन के इन सारे रिलेशनशिप को आप समझ लेंगे, तो मित्रों सबसे डील करने में, सबसे सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हर एक रिलेशनशिप को समझ के आप उससे डील कर पाएंगे और अपनी सारी कार्मिक पैटर्न्स को आप रिलीज कर पाएंगे। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव आप कर सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, वह दिव्य वातावरण को पाएंगे, संबंधों को वो हील हुआ पाएंगे और सुकून, प्रेम और शांति का एहसास पाएंगे। तो मित्रों, बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में मैं कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर आ रही हूँ, इनके विषय को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है, पृथ्वी का हर एक सूर्य, पृथ्वी का हर एक जीव हमारे लिए हमारा सूर्य है। धन्यवाद।